ब्यूरेट है और इस ब्यूरेट में हमने EDTA का सॉल्यूशन जो कि एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है इसको फिल किया हुआ है। इसके ब्यूरेट को हमको जीरो सेट करने के लिए हम यहाँ पर इसको पूरा फिल करके और इसका जो लोअर मेनिस्कस है उसको हम जीरो तक सेट करेंगे। जीरो तक सेट करने के बाद अब इसका टाइट्रेशन हमको करना है स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के साथ। तो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर को हम यहाँ पर जिसको कि हमने 1000 PPM स्ट्रेंथ वाला बनाया है इसको हम पिपेट से सक करके कॉनिकल में 10 ml ट्रांसफर करेंगे। तो कॉनिकल में ट्रांसफर करने के लिए इसको हमने लेकर के और एक कॉनिकल में ट्रांसफर किया हुआ है। इसके बाद इसमें हमको ऐड करना है 5 ml अमोनिया बफर। दिस इज अमोनिया बफर, इसको हम 5 ml इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम EBT इंडिकेटर। EBT इंडिकेटर का 2 drops हमको इंडिकेटर डालते बराबर से हमारा कलर कुछ वाइन रेड कलर का होता है। अब इसको हम परफॉर्म करेंगे। एंड पॉइंट पर हमको ये कलर दिखाई दे रहा है, दैट इज एंड पॉइंट। इसका रीडिंग हम यहाँ पर नोट करेंगे। ब्यूरेट की रीडिंग करीब 5.5 इस पर रीडिंग आई हुई है, इसको हम नोट कर लेंगे। और फिर इसी टाइट्रेशन को हम 3 times जब तक कि लास्ट के 2 रीडिंग कॉन्करेंट रीडिंग नहीं आ जाती हैं तब तक हम इसको परफॉर्म करेंगे। इसके बाद फिर यही टाइट्रेशन सेम हम अननोन हार्ड वाटर सैंपल के साथ करेंगे और उसकी भी हमको यहाँ पर 3 रीडिंग्स लेना है। और 3 रीडिंग्स में जो भी लास्ट की 2 रीडिंग सेम आती हैं दैट इज एंड पॉइंट, उसको हम नोट करेंगे। अब जब रीडिंग्स आ जाती हैं उसके बाद इसका कैलकुलेशन हम करेंगे। अब इस प्रैक्टिकल के परफॉर्मेंस के बाद हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेशन में हमने जैसे हमने परफॉर्म 2 बार किया, हमने स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के साथ EDTA और दूसरी बार उसी EDTA का यूज हमने अननोन हार्ड वाटर की हार्डनेस निकालने के लिए किया है। मतलब परफॉर्म भी हमने 2 बार किया, एक बार स्टैंडर्ड हार्ड वाटर वर्सेस EDTA, फिर दूसरी बार EDTA वर्सेस अननोन हार्ड वाटर, कोई भी अननोन हार्ड वाटर किसी भी सैंपल को हम लेकर के आकर के और सेम प्रोसीजर के थ्रू उसको परफॉर्म करेंगे और उसकी भी रीडिंग हम निकालेंगे। तो पहले हमने स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के साथ किया है तो हमारा जो टेबल बनेगी स्टैंडर्ड हार्ड वाटर वर्सेस EDTA, यहाँ पर स्टैंडर्ड हार्ड वाटर वर्सेस EDTA। यहाँ पर स्टैंडर्ड हार्ड वाटर जो कि हमने पिपेट से लिया हुआ है इसलिए वो 10 ml आया और 10 ml ही हमने उसको पिपेट से सर करके लिया हुआ है तो 10 ml। अब इनिशियल जो ब्यूरेट की रीडिंग है वो तो 0 ही रहती है क्योंकि ब्यूरेट का लीस्ट काउंट 0.1 है, इस वजह से हम उसको पॉइंट के बाद वन डिजिट तक मेजर कर सकते हैं। फिर अब फाइनल रीडिंग की जहां हम बात करते हैं, हमने 3 बार जब परफॉर्म किया और लास्ट की 2 रीडिंग जो कॉन्करेंट रीडिंग है उसी को लेकर के हमको कैलकुलेशन करना है। मान लीजिए कि इसकी जो फर्स्ट रीडिंग 6, सेकेंड रीडिंग 5.1, थर्ड रीडिंग 5.1, तो फाइनल जो रीडिंग आई, फाइनल वॉल्यूम ऑफ EDTA वो हमारा आ गया है 5.1। तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ EDTA वो आ गया है हमारा 5.1 ml,
यहाँ पर इसकी यूनिट एमएम में रहेगी। अब इसको लेकर के हमको कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमको स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, ये हमको गिवन है। हमने जो ऑब्जेक्ट में देखा स्ट्रेंथ दी हुई है, उससे हम सबसे पहले स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, जिसको कि हम यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट लेंगे, और चूंकि इसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि जो यूनिट है वो पीपीएम में या मिलीग्राम पर लीटर में रहेगी, तो उसको हम कन्वर्ट करने के लिए थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्ट्रेंथ जो कि गिवन है थाउजेंड, नॉर्मेलिटी हमको निकालना है, हम उसको एन वन से डिनोट कर सकते हैं, 50 इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है और 1000। तो इससे जब हमने एन वन की वैल्यू को कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आता है 1/50। मतलब 1/50 क्या हो गया, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की नॉर्मेलिटी। अब इसका यूज हम ईडीटीए की नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट करेंगे, मतलब फर्स्ट स्टेप जो रहेगा वो क्या रहेगा, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ईडीटीए। तो अब हम इसके आगे जो कंटिन्यू करेंगे तो हमारे यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा N1V1 = N2V2। यहाँ पर स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम, और यहाँ पर ईडीटीए की नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम। अब स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की नॉर्मेलिटी हमने यहाँ से निकाल ली है, वो आ गई है 1/50। स्टैंडर्ड हार्ड वाटर जो कि हम पेपेट से ले रहे हैं वो हमने लिया हुआ है 10 mm। N2 यानी नॉर्मेलिटी ऑफ ईडीटीए, जिसको कि हमको डिटरमाइन करना है तभी जाकर के ईडीटीए स्टैंडर्डाइज होगा। और V2 जो है वो ईडीटीए का वॉल्यूम है, ईडीटीए हमने लिया हुआ है ब्यूरेट में, तो जो ब्यूरेट की रीडिंग आएगी, जो फाइनल रीडिंग है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ ईडीटीए जो कि आ रहा है 5.1, उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। पुट करने पर हमने यहाँ से N2 कैलकुलेट कर लिया, N2 कैलकुलेट करेंगे तो आएगा यहाँ पर, इसको आप एज इट इज रहने देंगे 1/50 और 10, सिर्फ इस 5.1 को यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5.1। अब इसके बाद यहाँ से जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमको N2 मीन्स नॉर्मेलिटी ऑफ ईडीटीए हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, तो आ जाएगा इसका 1/25.5, ये आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 0 से 0, यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 25.5। ये आ गया N2 की वैल्यू 1/25.5। अब इसके बाद इस ईडीटीए का यूज हम करेंगे अननोन हार्ड वाटर की हार्डनेस निकालने के लिए। एक टेबल और ड्रॉ होगी, उसमें हम क्या क्या लेंगे, अननोन हार्ड वाटर वर्सेस ईडीटीए, और जब उसको हमने कैलकुलेट, जब उसको हमने परफॉर्म किया, मान लीजिए अगर हमारा वाटर ज्यादा हार्ड है, मान लीजिए इसका फाइनल वॉल्यूम 5.8 एंड 5.8 आता है, तो वही हमारी क्या होगी, फाइनल रीडिंग होगी। जो भी रीडिंग हमारी आ रही है, जैसा भी हमारा वाटर सैंपल है उसके अकॉर्डिंग रीडिंग आएगी। लास्ट की कॉन्करेंट रीडिंग जब तक नहीं आती तब तक हमको परफॉर्म करना है और उसी को फाइनल रीडिंग हमको बनाना है। तो हमारी मान लीजिए 5.8 आती है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, N2V2 = N3V3 N2V2 ईडीटीए की नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम है, और N3V3 अननोन हार्ड वाटर की
नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम को हमने यहाँ पर डिनोट किया है। अब हम एन टू वहां से लेंगे जो कि हमने कैलकुलेट किया है 25.5। अब बी टू चूंकि हमने वॉल्यूम ऑफ ईडीटीए और ईडीटीए हमने ब्यूरेट में लिया हुआ है, तो जो ब्यूरेट रीडिंग आई है अननोन हार्ड वाटर के साथ, जो भी ईडीटीए कंज्यूम हुआ है अननोन हार्ड वाटर के साथ टाइट्रेट करने पर, उसको हम यहाँ पुट करेंगे। N3 हमको निकालना है और V3 चूंकि हमने पिपेट से लेते हैं तो वो वॉल्यूम 10 mm मीन्स एक वॉल्यूम डेफिनेट होती है और उस डेफिनेट वॉल्यूम को दूसरे वॉल्यूम के साथ टाइट्रेट करना होता है। अब यहाँ पर N3 निकल आएगा, इसको करने के लिए सिर्फ 10 बस को यहाँ पर शिफ्ट करना है। ये आ गया है नॉर्मेलिटी ऑफ अननोन हार्ड वाटर। अब इससे हम निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ अननोन हार्ड वाटर। स्ट्रेंथ ऑफ अननोन हार्ड वाटर हमको निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी मतलब N3 मीन्स नॉर्मेलिटी ऑफ अननोन हार्ड वाटर जो कि हमने यहाँ पर निकाला है, तो वो क्या हो जाएगा उसका हम वैल्यू को पुट करेंगे 0.022745। अब इसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए 50 मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट का हमको यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट पुट करना है इनटू 1000 क्योंकि आंसर हमारा ppm में आएगा, तो उस आंसर को लाने के लिए हमको 50 × 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है 1137.254 ppm। ये आपका आंसर आ जाता है अननोन हार्ड वाटर की स्ट्रेंथ हम निकाल सकते हैं। तो ये इस तरीके का टाइट्रेशन करने के बाद इसकी कैलकुलेशन करके हम यहाँ पर आंसर करते हैं। आई होप इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। यदि कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड